नमस्कार, साहस समाचार टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा धीर। आइए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से की फोन पर बातचीत, रूस यूक्रेन को लेकर हुई चर्चा। शराब घोटाला में सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 सितंबर तक बढ़ी। दिल्ली शराब घोटाला केस में के कविता को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने दूसरे और तीसरे चरण के लिए उम्मीदवारों का किया ऐलान। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जारी की 32 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट, गंदरबल से चुनाव लड़ेंगे उमर अब्दुल्ला। उपेंद्र कुशवाहा और अवनीत सिंह बिट्टू निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुने गए। जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में सफाई कर्मी ने नाबालिग के साथ किया यौन उत्पीड़न। यूपी के लखनऊ में हुई बीएसपी की मीटिंग, आकाश आनंद को मिली कई राज्यों की जिम्मेदारी। चंपाई सोरेन ने बीजेपी में जाने की पुष्टि की, बोले पहले सोच रहा था संन्यास ले लूं। कोलकाता में आगे बढ़ रहा छात्रों का नबरना मार्च, सड़कों पर 6,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी, छात्रों ने तोड़ी हावड़ा ब्रिज पर बनी लोहे की दीवार। कोलकाता कांड में बड़ा खुलासा, पुलिस कमिश्नर के नाम पर रजिस्टर थी दरिंदर संजय रॉय की बाइक। कोलकाता में सीबीआई के बाद ईडी भी करेगी संदीप घोष की वित्तीय अनियमितता की जांच। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में नर्सिंग छात्रा से रेप के मामले में ऑटो चालक पर FIR। राजस्थान के अजमेर में भीषण बारिश, ओवरफ्लो हुई आना सागर झील। इंडियन एयरफोर्स के साथ वायु अभ्यास, तरंग शक्ति में हिस्सा लेगा बांग्लादेश। खबरों में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें साहस समाचार टीवी के साथ। नमस्कार।